हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने स्क्रू गेज किसके बारे में देखा था, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में देखा था। हमने ये देखा था कि वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा रीडिंग कैसे लेते हैं, उसमें एरर क्या होता है ना। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स का एक ड्रॉबैक क्या है कि उसके वर्नियर कैलिपर, देखो हम शुरू से आते हैं, मीटर स्केल के, सेंटीमीटर स्केल की बात करें तो सेंटीमीटर स्केल के द्वारा जो मिनिमम रीडिंग कितना मेजर कर सकते थे, मिनिमम लेंथ कितना मेजर कर सकते थे, 1 सेंटीमीटर मिनिमम है ना। यदि उससे भी कम लेंथ मेजर करना है तो हम सेंटीमीटर स्केल यूज नहीं करते थे। उसके बाद हमने मीटर स्केल देखा कि मीटर स्केल या मेन मीटर स्केल है ना, या उसको मिलीमीटर स्केल भी बोलते हैं, तो उसके द्वारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर या लेंथ मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, तो हम कितना मेजर कर सकते हैं उसको यूज करके, 1 मिलीमीटर। यदि उससे भी यदि मुझे कम लेंथ मेजर करना है, मोर एक्यूरेटली मेजर करने का मतलब क्या हुआ, एक्यूरेसी होनी चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए, ट्रू मेजरमेंट की बात होती है। जब भी हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, ट्रू मेजरमेंट, आई मीन उसमें एरर नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि मिलीमीटर, यदि आप 1 मिलीमीटर स्केल या मीटर स्केल को यूज करके हम 1 मिलीमीटर से मिनिमम लेंथ मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसके ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज किया था, हमने क्या पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके हम कितने मीटर तक, मिनिमम मिलीमीटर तक लेंथ मेजर कर सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर, कितना, 0.1 मिलीमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि नहीं, मुझे और भी छोटा लेंथ मेजर करना है, 0.01 मिलीमीटर लेंथ मेजर करना है, तो क्या हम वर्नियर कैलिपर से यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं, है ना। तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, तो 0.01 मिलीमीटर तक लेंथ मेजर करने के लिए, आई मीन मिनिमम लेंथ मेजर करने के लिए हम ना सेंटीमीटर स्केल यूज कर सकते हैं, न मीटर स्केल यूज कर सकते हैं, न वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं। तो उस लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्रू गेज मेजर करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्क्रू गेज यूज करते हैं। स्क्रू गेज के हेल्प से हम क्या करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर, मिनिमम लेंथ कितना मेजर कर सकते हैं, 0.01 मिलीमीटर, कितना, 0.01 मिलीमीटर, कितना, 0.01 मिलीमीटर, है ना। इसको यूज करके हम, अब बेसिकली क्या होता है, देखो ये क्या है, स्क्रू गेज का क्या है, स्ट्रक्चर है ना। स्क्रू गेज में क्या होते हैं, देखो मेटल्स है, क्या है, ये मेटल्स है, यू शेप का मेटल है, यहाँ भी क्या है, ए और बी क्या है, मेटल है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या है, ए मेटल, ए भी मेटल है और ए भी मेटल है, तो इसको हम स्टड्स बोलते हैं, STUDS, स्टड्स, या जाओ जैसे बोलते थे ना वहाँ, किसमें, वर्नियर कैलिपर कैलिपर्स स्केल में क्या था, कैलिपर स्केल नहीं, कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स में क्या था, हमने जाओ यूज किया था, तो इसको आप जाओ भी बोल सकते हैं। अब क्या करना होता है कि जिस ऑब्जेक्ट का है ना, जिस ऑब्जेक्ट का आपको डायमीटर और लेंथ मेजर करना रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दोनों स्टड के बीच हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब फिक्स कैसे करोगे, उसके आप यहाँ है, देखो ये क्या है, बेसिकली क्या होता है, स्क्रू गेज में दो स्केल्स होते हैं, क्या होते हैं, दो स्केल्स होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्केल, और क्या बोलते हैं, स्क्रू स्केल, या पिच स्केल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, पिच स्केल भी बोलते हैं, है ना। ये क्या है, लीनियर स्केल है इसका, देखो यहाँ 0 हमने लिया, यहाँ ये क्या होगा, 1 होगा, एंड सो ऑन, और मैंने नहीं दिखाया है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर स्केल बोलते हैं, या पिच स्केल भी बोलते हैं, ठीक है, जो आप जानते हैं। इसको हम कैलिब्रेट करते हैं क्या, है ना, आई मीन क्या होगा, कैलिब्रेटेड क्या होगा, आई मीन इस पे क्या होता है, 1 डिवीजन जो होता है क्या होगा, आइदर क्या होगा, 1 मिलीमीटर होगा, और क्या होगा, 0.5 मिलीमीटर होगा, और डिपेंड करता है सिचुएशन, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं दिया होगा तो हम क्या मानते हैं, मिलीमीटर स्केल
का जो वन डिवीजन क्या होता है, 1 मिलीमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है, तो हम मानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन है ना, और दूसरा क्या होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है, या सर हेड स्केल भी इसको बोलते हैं। सर्कुलर स्केल में क्या होता है ना, क्या होता है सर्कुलर स्केल में, देखो यहां दिखाया गया है। सर्कुलर स्केल में हम क्या करते हैं, सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का, है ना, उसको हम क्या करते हैं, आइदर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और क्या होगा 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 100 इक्वल पार्ट्स में हम कब डिवाइड करके यूज करेंगे, जब क्या होगा इस पे, आई मीन मेन स्केल पे जो डिवीजन दिया रहेगा वो कितना होगा, 1, इस डिवीजन जो होगा 1 मिलीमीटर के इक्वल होगा। यदि ईच डिवीजन 0.5 मिलीमीटर के इक्वल होगा तो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितना होगा, 50 डिवीजन होगा। 50 इक्वल डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और 1 डिवीजन जो होता है वो कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो इसमें क्या करोगे, जब हम क्या करते हैं इसको आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, तो ये स्पिंडल जो होगा वो क्या होगा, ये आगे मूव करेगा और क्या होगा, पीछे मूव करेगा। आगे पीछे क्या होगा, जब देखो इसको क्या करोगे, आप रोटेट कराओगे, देख क्या होगा, आगे पीछे क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो क्या होगा, आगे पीछे मूव करेगा। उसी तरह क्या होगा, यहाँ देखो ये जब सर्कुलर स्केल को, आई मीन सर्कुलर कैप होता है, यहाँ इसको जब हम रोटेट कराते हैं तो स्क्रू जो होता है वो क्या होता है, आगे मूव करेगा और क्या होगा, पीछे मूव करेगा। क्या होगा, ये स्क्रू जो होगा वो क्या होगा, आगे मूव करेगा और क्या होगा, पीछे मूव करेगा, ठीक है। अब हम रीडिंग कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे इसको रोटेट कराएंगे, आई मीन सर्कुलर कैप को क्या करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे तो एक स्क्रू जो होगा आगे मूव करेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट को हम रख करके उसको फिक्स कर देंगे, और उसके कोरस्पोंडेंस मेन स्केल रीडिंग देखते हैं, और स्क्रू मेन स्केल और स्क्रू स्केल रीडिंग देखेंगे, एंड क्या देखेंगे, सर्कुलर स्केल का रीडिंग देखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ले लेते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो क्या होगा, ये क्या होगा कि जब ये रोटेट कराओगे तो वन रिवोल्यूशन में क्या होगा, वन रिवोल्यूशन में स्क्रू जितना लीनियर, ये क्या होगा रोटेट होने के साथ साथ क्या होता है, आगे भी बढ़ता है ना, क्या होगा स्क्रू क्या होगा, आगे बढ़ेगा जब इसको रोटेट कराओगे तो, ठीक है। तो जब रोटेट कराओगे तो स्क्रू है ना कितना, वन, जब सर्कुलर कैप को हम वन रिवोल्यूशन रोटेट कराते हैं, वन कंप्लीट रोटेशन देते हैं, उसके कोरस्पोंडेंस स्क्रू जितना लीनियर डिस्टेंस मूव करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पिच बोलते हैं, आई मीन डिस्टेंस मूव्ड बाई द स्क्रू व्हेन सर्कुलर कैप इज रोटेटेड वन रिवोल्यूशन, ठीक है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। क्या होगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच, ठीक है। तो हम रीडिंग कैसे लेते हैं उसको भी हम देखेंगे कि रीडिंग कैसे लिखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये ध्यान, एक स्क्रू गेज जो है वो क्या है, उसका यूज हम 0.01 मिलीमीटर लेंथ मेजर करने के लिए करते हैं, मिनिमम लेंथ है ना। इसमें क्या होता है, स्क्रू गेज कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ स्केल, लीनियर स्केल और पिच स्केल, इट इज ग्रेजुएटेड और कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर और हाफ मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वन डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मिलीमीटर, और क्या होगा, 1 डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा, 0.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल में क्या होता है, हम क्या करते हैं सर्कुलर स्केल को क्या करते हैं, यहाँ आइदर हम क्या करते हैं 100 इक्वल डिवीजन में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और क्या होगा 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं, और 50 इक्वल डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, डिवीजन ऑफ लीनियर स्केल, ठीक है। ये समझ में आया कि जब ये रोटेट करोगे है ना, तो यहाँ क्या होगा, इस पे 100 इक्वल डिवीजन होते हैं, और 1 डिवीजन जो होता है क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। लेकिन जनरल यदि नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम क्या मान लेते हैं कि लिस्ट काउंट यही होगा, लेकिन लिस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या होगा वो हम लिखेंगे और फिर देखेंगे कि ये 0.01 मिलीमीटर आता कैसे है। आपसे वर्किंग रूल नहीं पूछा जाए क्या है, रीडिंग पूछा जाएगा। इसमें भी एरर होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर, जैसा कि मैंने बताया था।
तो केवल आपको रीडिंग लेने आना चाहिए, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ, तो सर्कुलर स्केल पे क्या लिखेंगे, है ना, ये समझ में आया। सर्कुलर स्केल पे जो होगा वो कितने डिवीजन होंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर सर्कल इज डिवाइडेड इनटू आइदर 100 इक्वल पार्ट्स और 50 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। वन डिवीजन विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, पिच ऑफ द, क्या लिखेंगे, पिच, है ना, ये जरूरी है ना, तो पिच, तो यहां पिच लिखते हैं, है ना, क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस, है ना, लीनियर लीनियर डिस्टेंस मूव्ड मूव्ड बाय स्क्रू व्हेन लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू व्हेन सर्कुलर कैप सर्कुलर कैप लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन लीनियर स्केल, है ना, और यहां लिख लेना स्क्रू ऑन क्या होगा, मेन स्केल और लीनियर स्केल, है ना, मेन स्केल और इसी को क्या बोलेंगे, लीनियर स्केल और इसी को क्या बोलेंगे, पिच स्केल, क्या होगा, पिच लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन मेन स्केल और लीनियर स्केल और पिच स्केल ड्यूरिंग वन कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ सर्कुलर कैप, ये समझ में आया ना, इसको इसको वन कंप्लीट रिवोल्यूशन रोटेट कराने में, है ना, ये जो क्या होगा स्क्रू जो होगा इस मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस मूव करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम पिच बोलते हैं। तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ क्या होगा, सर्कुलर कैप और सर्कुलर कैप और क्या बोलेंगे, सर्कुलर हेड, इज कॉल्ड पिच, ठीक है, क्या होगा, पिच। अब देखो क्या होगा, ये देखा गया है कि देखो इन जनरल क्या देखा गया है कि इन जनरल जो होता है ना, अब पिच क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आइदर क्या हो सकता है, वन मिलीमीटर, ये देखा गया है कि यदि इसको इसमें क्या 100 डिवीजन हो तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में आई मीन क्या हुआ 100 डिवीजन, तो 100 डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डेंस ये कितना डिस्टेंस मूव करता है, 1 मिलीमीटर मूव करता है, और कितना मूव करेगा, कितना मूव करेगा, आइदर क्या होगा 0.5 मिलीमीटर मूव करेगा। तो पिच जो होता है, पिच कितना होगा, आइदर क्या हो सकता है, पिच कितना होगा, आइदर क्या हो सकता है 1 मिलीमीटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 0.5 मिलीमीटर हो सकता है, ठीक है। ये देखा गया है कि जब इसको आप वन कंप्लीट रोटेशन कराओगे तो जो स्क्रू होगा वो लिनियर स्केल पे कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 1 डिवीजन मूव करता है, याद रखना, है ना। तो यहां लिख देता हूं, है ना, कि व्हेन व्हेन सर्कुलर कैप, ठीक है, टेक वन रिवोल्यूशन वन रिवोल्यूशन, है ना, व्हेन सर्कुलर कैप टेक वन रिवोल्यूशन, क्या होगा, व्हेन सर्कुलर कैप टेक वन रिवोल्यूशन, देन डिस्टेंस मूव्ड बाय क्या होगा, स्क्रू स्क्रू इज क्या होगा, आइदर
क्या होगा 1 मिलीमीटर और क्या होगा 0.5 मिलीमीटर। देखो जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे, 1 मिलीमीटर मान लेंगे पिच। तो पिच जो होगा इधर क्या हो सकता है, पिच जो होगा वो क्या हो सकता है, इसकी जरूरत है ना, पिच इधर क्या हो सकता है 0.5 मिलीमीटर हो सकता है और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 1 मिलीमीटर हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ hence क्या होगा, hence P is equal to क्या होगा, either क्या होगा point, either क्या होगा 1 मिलीमीटर और क्या होगा 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब ऐसे 1 रिवॉल्यूशन में है ना क्या होगा, अब देखो क्या होगा n रिवॉल्यूशन है ना क्या होगा, आई मीन 1 रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस मूव कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 रिवॉल्यूशन में है ना क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और 1 रिवॉल्यूशन में कितने डिवीजन होंगे, मान लो कि n नंबर ऑफ डिवीजन होंगे इस पे, n क्या हो सकता है इधर क्या होगा 50 होगा और क्या होगा, n क्या होगा 50 होगा और क्या होगा, क्या होगा 50 होगा और क्या हो सकता है 100 हो सकता है, ये हो सकता है ना। यदि मैं कंसीडर करूं कि लेट, ऐसे मैंने मान लिया कि लेट n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ डिवीजन, या स्मॉल n ले लेता हूं, n इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन क्या होगा सर्कुलर स्केल, ठीक है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन क्या होगा सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो 1 रिवॉल्यूशन में क्या होगा, देखो तो 1 रिवॉल्यूशन में स्क्रू कितना डिस्टेंस मूव करेगा, पी, पी क्या है पिच, अरे यही होगा ना यार, आई मीन 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ एन डिवीजन, तो एन डिवीजन की कोरेस्पोंडेंस कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, पिच पी, ठीक है। तो एक डिवीजन के कोरेस्पोंडेंस कितना डिस्टेंस मूव करेगा, वही क्या होता है लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो एक डिवीजन के कोरेस्पोंडेंस, 1 डिवीजन की कोरेस्पोंडेंस कितना डिस्टेंस मूव करेगा, P अपॉन क्या हो जाएगा, P अपॉन क्या होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाई है ना क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस मूव्ड बाई स्क्रू कोरेस्पॉन्डिंग टू 1 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द क्या होगा, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो केवल तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, तो यहां से लिख सकते हैं समझ में आने, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक है लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो यहां से लिख देते हैं लीस्ट काउंट, एलसी इज इक्वल टू क्या होगा पिच अपॉन क्या होगा एन, क्या है नंबर ऑफ डिवीजन है ना, पिच समझ में आया ना, नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन क्या है एन, क्या है एन, क्या है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द क्या होगा सर्कुलर स्केल, पी क्या है पिच क्या है कि 1 रिवॉल्यूशन में है ना, 1 रिवॉल्यूशन में जो स्क्रू है वो लिनियर स्केल पे कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा पी अपॉन एन, ये यदि नहीं दिया हुआ है कुछ तो हम ऐसे निकालेंगे, पी क्या हुआ पिच, पिच का डेफिनेशन मैंने बता दिया है पिच, दिस इज क्या हुआ नंबर ऑफ डिवीजन, डिवीजन ऑन क्या होगा सर्कुलर स्केल, ठीक है। और ये लिस्ट काउंट किसका हुआ, लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, याद रखना है किसका, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या होगा, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट द लिस्ट काउंट, लिस्ट
काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, अब देखो इन जनरल क्या होता है, नॉर्मल स्क्रू गेज में क्या होता है, ये ध्यान देना है ना। ठीक है कि नॉर्मल स्क्रू गेज है ना, तो यहां लिख देता हूं नॉर्मल स्क्रू गेज है ना, क्या होगा, पिच इज इक्वल टू जनरली क्या होता है 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन कितना होता है 100 होता है, समझ में आया ना। इसलिए लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा पी अपॉन एन, आई मीन क्या होगा 1 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना होगा 100 मिलीमीटर, आई मीन कितना हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। और इसको शायद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, क्या लिख सकते हो, अरे 10 माइक्रोमीटर लिख सकते हो क्या, 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसलिए स्क्रू गेज जो होता है कभी कभी माइक्रोमीटर भी बोला जाता है, क्या बोलता है स्क्रू माइक्रोमीटर, क्या बोला जाता है स्क्रू माइक्रोमीटर है ना। ये क्या हुआ, ये समझ में आया ना, अरे इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 100 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा तुमको माइक्रो, तो 10 माइक्रोमीटर क्या हुआ, लिस्ट काउंट ऑफ द क्या हुआ सर्कुलर, सॉरी लिस्ट काउंट ऑफ किसका हुआ स्क्रू गेज, याद रखना है क्या होगा लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। अब रीडिंग कैसे लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया कि क्या होगा कि सर्कुलर स्केल पे 1 डिवीजन क्या होगा कितना होगा, ये लिस्ट काउंट के क्या होगा इक्वल होगा, कितना होगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये याद रखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं लिख देता हूं, फिर से लिख देता हूं कि 1 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू क्या होगा 0.01 मिलीमीटर और क्या होगा 10 माइक्रोमीटर, ये याद रखना। अब रीडिंग कैसे लेंगे यार, रीडिंग कैसे लेंगे है ना, रीडिंग अब देखो मैंने क्या बताया कि जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ और डायमीटर मेजर करना है उसको क्या करना है, दोनों स्टड के बीच क्या करना है आपको फिक्स कर देना है, क्लैंप कर देना है, और उसके कोरेस्पोंडेंस क्या देखना है कि सर्कुलर हेड या सर्कुलर कैप के पहले मेन स्केल रीडिंग देख लेना है ना, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग देख लेना है, बस यही आपको देखना है। ठीक है, तो अब देखो यहां क्या है ना, तो लिस्ट काउंट जो है वो क्या, तो अब क्या होगा रीडिंग ऑफ, यहां लिखेंगे रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। देखो ये रीडिंग याद रखना, लिस्ट काउंट याद रख लो, ये सब याद नहीं हो कोई टेंशन नहीं है, रीडिंग इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है, जो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो तुमको मालूम चलेगा। तो रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज क्या होगा, देखो इधर मैं लिखता हूं एन प्लस एक्स इंटू एक्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, एन क्या है, एन क्या है, देखो यही क्या है सर्कुलर हेड है, इसके सर्कुलर हेड के बिफोर क्या है मेन स्केल पे रीडिंग कितना है। ठीक है, कितना रीडिंग है वही एक्चुअल रीडिंग लेना है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, पॉइंट वाला नहीं, पॉइंट वाले के लिए ही हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, सर्कुलर ये वाला रीडिंग लेते हैं। पॉइंट कैसे मेजर करेंगे इधर से, जैसे हम कैसे मेजर करते थे यार वर्नियर कैलिपर्स में वैसे ही मेजर, तो एन क्या होगा रीडिंग, रीडिंग ऑन क्या होगा मेन स्केल और पिच स्केल बिफोर सर्कुलर हेड,
बिफोर सर्कुलर हेड। एक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स डिवीजन ऑन सर्कुलर, एक्स डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ रेफरेंस लाइन। यही क्या है, ये रेफरेंस लाइन है, याद रखना है, ये रेफरेंस लाइन है। सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ रेफरेंस लाइन, ठीक है। और एलसी क्या है, लीस्ट काउंट। ये तुमको ध्यान देना है। अभी यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ हमने ये जीरो, इसका रेफरेंस लाइन से तो रीडिंग क्या मालूम चल रहा है कि जितना ये होगा ऐसे हम कंसीडर करें। ऐसे बेसिकली क्या होना चाहिए, रीडिंग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो ये तुमको क्या, फिर से ध्यान देखो, एन क्या है, रीडिंग ऑन क्या होगा, मेन स्केल बिफोर सर्कुलर हेड, इसके पहले काउंट करके तो तुम लिख सकते हो। प्लस क्या होगा, एक्स क्या है कि कौन सा डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ क्या है, मिला है ना, रेफरेंस लाइन के साथ उसकी मीटिंग हो रही है ना। जिस डिवीजन का रेफरेंस लाइन के साथ मीटिंग होगा है ना, वही डिवीजन यहां लिखना है। इनटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट याद रखना है कितना, 0.1 मिलीमीटर। क्या याद रखना है, 0. बस यही है रीडिंग, दूसरा कुछ नहीं है। ये वर्किंग रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये फॉर्मूला, और हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, लिस्ट काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान देना तुम लोग कि हम कैसे रीडिंग लेंगे, देखते हैं एक न्यूमेरिकल मैं बताता हूं बाद में, पहले जीरो एरर भी बता दो, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। तो स्क्रू गेज का यूज क्या है कि 0.01 मिलीमीटर तक, यदि आप मिनिमम लेंथ मेजर करना चाहते हो तो आप स्क्रू गेज का यूज कर सकते हो, उससे हम मोर एक्यूरेटली लेंथ को क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हर टाइम हम ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, अपने लिए क्या है, एक मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, इसकी जरूरत नहीं है। हमेशा किसी बुक में भी देखोगे तो जनरली ये भी दिया रहेगा, नहीं तो ये दिया रहेगा, इसका कोई जरूरत नहीं। याद रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट का डायमीटर मुझे क्या करना है या लेंथ मेजर करना है, उसको हम कहाँ रखेंगे, ए बी के बीच रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ए बी के बीच, और उसके बाद इसका सर्कुलर कैप को रोटेट करा करके इसको फिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि मेन सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड हो रहा है, वही क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और मेन स्केल पे जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, एन होगा, और लिस्ट काउंट तो मालूम ही है कितना होगा, 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, रट जाओ है ना, तोते की तरह 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, है ना, ठीक है। अब हम आते हैं क्या कि एरर, जीरो एरर जिस तरह वहां था उसी तरह यहां भी है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एरर इन तो अगला पॉइंट क्या है, एरर इन जीरो एरर है ना, जीरो एरर ऑफ क्या होना चाहिए, स्क्रू, जीरो एरर इन स्क्रू गेज। अब देखो यहां भी क्या होना चाहिए, वहां मैंने क्या बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स में क्या बताया था कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो है ना, तो वहां बताया था कि दोनों जो जॉ थे है ना, उनको क्या होना चाहिए, जब आप क्लोज लाओगे तो वर्नियर, क्या था, वर्नियर स्केल और मेन स्केल
है ना, या मीटर स्केल, दोनों का जीरो क्या होना चाहिए था, कॉन्साइड होना चाहिए। यहां भी वैसे ही है, व्हेन टू स्टड्स ए एंड बी क्या होगा, व्हेन देखो क्या होगा, व्हेन व्हेन यहां भी क्या है, दोनों स्टड्स ए और बी जो अभी मैंने बताया था उनको क्लोज लाओ तो क्या होना चाहिए, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल रेफरेंस लाइन से क्या होना चाहिए, कॉन्साइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेफरेंस लाइन से क्या होना चाहिए, कॉन्साइड होना चाहिए, एंड मिलना चाहिए। यदि मिल रहा है तो स्क्रू गेज जो है उसमें कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे व्हेन स्टड्स स्टड्स ए एंड बी आर ब्रॉड क्लोजर देन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड कोइंसाइड विथ रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, दिस इज कॉल्ड जीरो एरर इन स्क्रू गेज। जैसे देखो आप यही तीन रेफरेंस लाइन है, इधर मैं देखो यहां ये मेन स्केल में ड्रॉ कर देता हूं, यही क्या है तुम्हारा, ये थोड़ा छोटा ड्रॉ कर देता हूं यार, है ना, ऐसे ही कुछ है, यही क्या है, देखो ये रेफरेंस लाइन है ना, यहां क्या है, इस पे सर्कुलर स्केल है तो इस पे कुछ ऐसे, यहां जीरो यहां है ऐसे सोचो, ठीक है, जीरो कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो यहां क्या है इसमें, चलो हम यहां पहले जीरो लिखते हैं, जीरो देखो तो रेफरेंस लाइन से क्या है, ये सर्कुलर स्केल है यार, है ना, यही क्या है, सर्कुलर स्केल है। तो यहां सर्कुलर स्केल का जो जीरो, आई मीन सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो क्या है, रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड हो गया क्या, तो नो जीरो एरर यहां होगा, नो जीरो एरर, ये याद रखना, जीरो एरर नहीं होगा, ठीक है, ये मेन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड हो गया तो कोई जीरो एरर नहीं होगा। लेकिन यही क्या होगा, देखो इस केस में देखो तुम, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, जीरो यहां चला गया, ये रेफरेंस लाइन हुआ यार, ये तुम्हारा क्या है, सर्कुलर स्केल है, समझ में आया ना, तो यहां देखो जीरो और रेफरेंस लाइन, आई मीन जीरो जो है सर्कुलर स्केल पे वो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है, इसलिए यहां क्या होगा, जीरो एरर होगा। तो इसका मतलब ये होगा, अब जीरो एरर क्या होता है, अब देखो यहां जीरो क्या हो सकता है, रेफरेंस लाइन से क्या हो सकता है, मिलेगा नहीं तो यार क्या हो सकता है, इधर ऊपर जा सकता है और क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है, यही दो कंडीशन हो सकता है, रेफरेंस लाइन से क्या होगा, अप होगा और क्या होगा, बिलो होगा। तो यदि जीरो क्या, उसके बेसिस पे जीरो एरर को दो टाइप में डिवाइड किया गया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, वेदर द जीरो ऑफ द मेन सॉरी जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन और अबव द रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो जीरो एरर जो है वो कितने तरह के हो गए, दो तरह के, जीरो एरर जो होगा वो क्या होगा, दो तरह का होगा, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर और क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है।
पॉजिटिव जीरो एरर, और क्या होगा नेगेटिव। इसमें क्या होगा देखो, अब वन बाय वन मैं बता दूं पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है कि जीरो जीरो ऑफ द क्या होगा सर्कुलर स्केल लाई बिलो क्या होगा लाइज बिलो द क्या होगा रेफरेंस लाइन। तो क्या होगा यहां लिख देंगे कि व्हेन व्हेन जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द रेफरेंस लाइन reference line when zero of the circular scale lies below the reference line then zero error is called positive zero error। इसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं। देखो यहां ठीक है, जैसे यही क्या हुआ तुम्हारा सर्कल और ये रेफरेंस लाइन हो गया यार, है ना। यहाँ तुमको देखो ऐसे दिया रहा है, यहाँ क्या होगा जीरो होगा वन टू थ्री फोर फाइव, है ना। ये जीरो हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन हो गया और ये क्या हो गया, ऐसे दिया रहेगा। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब यहां क्या होगा, इसमें क्या होगा कि देखो इधर क्या होगा कि जीरो जो तुम्हारा होगा वो किधर लाई करेगा, मान लो इधर जीरो लाई गया, ये वन टू थ्री फोर फाइव होगा सिक्स सेवन ऐसे जीरो यहां, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां देखो यहां ये रेफरेंस लाइन से जीरो किधर लाई कर रहा है, इधर देखो ये वन टू थ्री फोर आई मीन इधर क्या होगा नाइनटी नाइन नाइनटी एट नाइनटी, ये क्या होगा नाइनटी नाइन नाइनटी एट नाइनटी सेवन नाइनटी सिक्स नाइनटी फाइव ऐसे कुछ होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये आपको ध्यान देना है, इस केस में क्या हुआ कि जीरो यदि रेफरेंस लाइन से नीचे लाई कर रहा है और ये क्या हुआ देखो ये मेन स्केल हुआ और ये क्या हुआ सर्कुलर स्केल, इसको हम क्या बोलेंगे सर्कुलर आई मीन इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं सर्कुलर हेड, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, इसमें क्या हुआ पॉजिटिव जीरो दिया, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, देखो ध्यान से बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो यहां पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो क्या होगा इन पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव जीरो एरर, तो क्या होगा इस केस में हम बोल सकते हैं कि इन दिस केस क्या होगा इन दिस, चाहे पहले ये लिख लेते हैं, है ना। इस केस में क्या होगा कि जो लेंथ या डायमीटर आप मेजर करोगे वो डायमीटर जो होगा वो क्या होगा ऑब्जर्व वैल्यू जो होगा वो क्या होगा ट्रू वैल्यू से क्या होगा या ऑब्जर्व रीडिंग जो होगा वो ट्रू रीडिंग से क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ट्रू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस हम क्या करते हैं जीरो एरर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिलता है अपने को ट्रू लेंथ मिल जाता है, ठीक है। तो देखो यहां से अब जीरो एरर कैसे लिखेंगे पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू क्या होगा
प्लस एन इंटू क्या हो जाएगा एल सी। एन यहाँ क्या है, एन या एक्स लिख देता हूं, एन मैंने लिखा था है ना, एक्स यहां एक्स क्या है, एक्स डिवीजन, या ध्यान देना एक्स डिवीजन ऑफ, देखो कितना डिवीजन, कितने नंबर ऑफ डिवीजन से क्या है जीरो जो है बिलो है ना, तो एक्स डिवीजन ऑफ क्या होगा, ये समझ में आया ना कि रेफरेंस लाइन से कितने कितने नंबर ऑफ डिवीजन के बाद क्या है जीरो है, वो डिवीजन आपको क्या करना है काउंट। तो क्या है यहाँ से हम लिख सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हो कि पोजीशन अब क्या हो सकता है, ऐसे बोल सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कि क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ डिवीजन आफ्टर, या नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बिलो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बिलो द क्या होगा, बिलो द रेफरेंस लाइन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बिलो द रेफरेंस लाइन आफ्टर विच जीरो इज, आफ्टर विच After which zero is there. Zero, तो number of division on circular scale below the reference line after which zero is there. Zero of main scale line. Simple ऐसे लिख सकते हैं. Number of division on circular scale below the reference line after which zero of main scale, sorry main scale नहीं, circular scale line, circular scale line, और this is nothing but the क्या होगा least count। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ये समझ में, number of division on circular scale below the reference line after which zero of circular scale lies, ठीक है, तो x काउंट कर लेंगे यहां से, देखो यहां से यदि काउंट करना है तो क्या होगा 1 2 3, तो डायरेक्ट हम ये क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, 3 इनटू लिस्ट काउंट एरर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अब जीरो करेक्शन क्या होता है, मैंने बताया था कि जीरो एरर प्लस जीरो करेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो एरर प्लस जीरो करेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, यहां लिख देता हूं जीरो एरर प्लस जीरो करेक्शन, करेक्शन इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो करेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जीरो एरर, ठीक है। या तो पॉजिटिव जीरो करेक्शन कितना होगा, पॉजिटिव जीरो एरर करेक्शन, एरर करेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एन इंटू क्या होगा एक्स, सॉरी माइनस एक्स इंटू एल सी। तो ट्रू लेंथ कितना होगा, या ऑब्जर्व लेंथ जो होगा क्या होगा आर, ट्रू रीडिंग, ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एक्स इंटू क्या होगा एल सी, ये ध्यान रखें, ठीक है। दिस इज क्या होगा ट्रू रीडिंग, ये ऑब्जर्व रीडिंग, और
और ये तो तुमको बताया हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तुमको मालूम चल जाएगा कि क्या। ठीक है, दूसरा एक और इसमें क्या होगा, देखो अब क्या होगा, दूसरा एरर क्या होता है, निगेटिव एरर होता है। क्या होगा? निगेटिव एरर। यहां लिख सकते हैं कि इन दिस क्या होगा, इन दिस एरर जीरो ऑफ क्या होगा मेन, सॉरी जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज एबव द क्या होगा रेफरेंस लाइन। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन दिस एरर है ना, इन दिस क्या होगा एरर ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ इज ऑलवेज क्या होगा लेस देन ऑब्जर्व लेंथ, या ट्रू रीडिंग लेंथ और रीडिंग दोनों लिख लेना है। ठीक है, जैसे देखो वही डायग्राम वही है, कुछ नहीं है, एक ही तो केवल रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो क्या है, यही क्या है रेफरेंस लाइन है। अब यहाँ क्या हुआ, जीरो यहाँ आ गया। ठीक है, यही क्या हुआ रेफरेंस लाइन हो गया। यहाँ क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव जीरो एरर। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, केवल क्या है ये सब सेम ही रहेगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रू लेंथ कितना होगा, एक्स क्या है, यहाँ क्या होगा कि कितने डिवीजन के बाद जीरो जो है रेफरेंस लाइन से क्या है अप है, लाई बिलो और लाई अप है ना। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ रीडिंग आई मीन ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा ऑब्जर्व रीडिंग प्लस एक्स इंटू क्या होगा एक्स, ये याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली क्या हुआ ट्रू रीडिंग दिस इज क्या हुआ ऑब्जर्व रीडिंग है ना, दिस इज लिस्ट काउंट और एक्स क्या है नंबर ऑफ डिवीजन, कितने डिवीजन से क्या है रेफरेंस लाइन से क्या है जीरो जो है ऊपर है, मेन स्केल पे कितने डिवीजन बाद रेफरेंस लाइन से क्या है जीरो जो है ऊपर है, वही क्या है यहाँ एक्स है। तो ऐसे हम क्या करते हैं रीडिंग हम मेजर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ऐसे हम क्या करते हैं रीडिंग मेजर करते हैं। एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इससे बेस्ड, और बस यही है लास्ट था है ना। ये भी देखो अभी तक मैं पहले नहीं पढ़ाता था अभी, आई मीन ये जो स्क्रू गेज हुआ, वर्नियर कैलिपर्स हुआ, वो जब आप फिजिक्स पूरा पढ़ जाओगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ बताना पड़ा। तो आप एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ है ना, इससे बेस्ड तो आपको ध्यान में रखना है ना। देखते हैं न्यूमेरिकल है क्या। हाँ देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, देखो एग्जांपल मेन है न्यूमेरिकल्स है ना। यहाँ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज, यहाँ दिया हुआ है द पिच ऑफ स्क्रू गेज गेज इज 1 millimeter। ठीक है, एंड देयर आर, एंड देयर आर 100 divisions ऑन द सर्कुलर,
ऑन द क्या होगा सर्कुलर स्केल इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इन मेजरिंग द देखो डायमीटर ऑफ ए स्फीयर स्फीयर देयर आर सिक्स डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल डिवीजन ऑन द क्या होगा लीनियर स्केल एंड 40 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल एंड 40 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल ऑन द सर्कुलर स्केल coincide with the reference line with the reference line and find the diameter of the sphere find द क्या होगा डायमीटर फाइंड द डायमीटर डायमीटर ऑफ ठीक है ये क्वेश्चन समझ में आया पीच दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में और फिर हम देखते हैं इसको डायग्राम से भी आप समझ सकते हो ठीक है डायग्राम ड्रॉ कर लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्या दिया हुआ है कि देखो क्या है लीनियर स्केल मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ यही लीनियर स्केल है ना ठीक है ऐसे मान लो कि हमने यहाँ ये यहाँ क्या है ज़ीरो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ऐसे नहीं है ये इतना छोटा है ना ये 6 डिवीजन है ना तो एग्जैक्ट 6 डिवीजन नहीं होगा यहाँ कुछ ऐसे होगा 6 डिवीजन ऐसे क्या है तुम्हारा यही तुम्हारा तो यहाँ जो डिवीजन है वो कौन सा है 40 दिया हुआ है 40 डिवीजन जो है वो क्या है रेफरेंस लाइन से और डिवीजन से मुझे कोई मतलब ही नहीं है ना तो देखो यहाँ क्या होगा मेन स्केल रीडिंग तो रीडिंग क्या लिखोगे रीडिंग आई मीन सीधे लिखोगे डायमीटर डायमीटर क्या लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग आई मीन लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग ठीक है और लीनियर स्केल रीडिंग कितना होगा आप देख सकते हो मैंने क्या बताया था कि ये जीरो हेड से कितना जो है वो क्या है ये पॉइंट वाला नहीं कंसीडर करना वही तो सर्कुलर स्केल रीडिंग का काम है तो ये मेन स्केल रीडिंग क्या है यहाँ एन इक्वल टू क्या है यहाँ हम लिख सकते हैं देखो एन प्लस एक्स इंटू क्या लिखेंगे एल सी एन क्या है मेन स्केल रीडिंग हुआ आई मीन रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर क्या होगा सर्कुलर हेड यही क्या है दिस इज सर्कुलर हेड तो यहां एन प्लस यही रीडिंग है ना यार तो डायमीटर डी इक्वल टू मैं यहां लिख देता हूं डी इक्वल टू डायमीटर अब देखो क्या क्या दिया हुआ है पिच दिया हुआ है तो लिस्ट काउंट कितना था यार देखो तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है पिच अपॉन क्या है डिवीजन डिवीजन भी दिया हुआ है पिच कितना दिया 1 मिलीमीटर
अपॉन 100 तो कितना हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, यही होगा ना यार, है ना। एन दिया हुआ है, एन कितने हैं, मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है यहाँ, क्वेश्चन पढ़ो, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर देयर आर 6 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल, ये 6 डिवीजन तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मिलीमीटर, यही होगा ना यार, क्योंकि 1 डिवीजन इक्वल टू कितना होता है लीनियर स्केल पे 1 मिलीमीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मिलीमीटर। अब 6 मिलीमीटर से थोड़ा जो ज़्यादा होता है 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, उसको हम किसके हेल्प से मेजर करते हैं, सर्कुलर स्केल के हेल्प से। वही यहाँ लिखा है कि डायमीटर जो होगा लीनियर स्केल रीडिंग प्लस क्या होगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब लीनियर स्केल रीडिंग तो मालूम चल गया 6 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है। तो दिया हुआ है एक्स क्या होता है कि कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन रेफरेंस लाइन से क्या हुआ वन साइड किया, रेफरेंस लाइन से क्या किया कौन साइड किया और मिला, तो यहां कौन सा डिवीजन है 40 डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का वो किसे कौन साइड हो रहा है, किससे मिल रहा है, रेफरेंस लाइन से मिल रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40 है ना, ठीक है। और लिस्ट काउंट कितना होगा 0.01 मिलीमीटर है ना, मीटर नहीं। तो यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। यहां आप आसानी से अब रीडिंग तो डायमीटर लिख सकते हो यार, देखो तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मिलीमीटर प्लस क्या होगा 40 इंटू 0.01 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 6 प्लस कितना हो जाएगा आई थिंक 0.4 आएगा, सही है ना यार, 0.4 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 6.4 मिलीमीटर, ठीक है। तो यही क्या होगा तुम्हारा आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर होगा, आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद वही होगा, ठीक है। तो 6.4 मिलीमीटर क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना है ना, और जो डाउट हो वो सेंड करना है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आई थिंक मंडे से हम लोग पढ़ेंगे मोशन चैप्टर है ना, मोशन, रेस्ट एंड मोशन आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो उसके बारे में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। अभी तक देखो ये थोड़ा सा क्या था कि इसमें पूरे फिजिक्स, इसमें आपको जब भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड करना तो एटलीस्ट फार्मूला सब नहीं भी याद हो तो चलेगा, लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उस पर जितने हम न्यूमेरिकल्स मैंने कराया है आप एटलीस्ट नोटबुक देख करके जाओ अच्छे से, और फिर आपका पेपर जो होगा, आपका जो एग्ज़ाम जाएगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा, यदि आप नोटबुक अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो। इसका मतलब ये मत समझना कि सर आपने नोटबुक से ही न्यूमेरिकल दिया है, कि ऐसा नहीं होता है नोटबुक से कभी, हाँ लेकिन आप यदि नोटबुक पढ़ के जा रहे हो तो हो सकता है 1-2 न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है कि सर वही जैसा न्यूमेरिकल में मैंने नोटबुक में, जो न्यूमेरिकल मैंने नोटबुक में कराया है वही न्यूमेरिकल्स मैं आपको एग्ज़ाम में दूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप बस आज के क्लास में इतना ही है ना, आप लोगों के ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम है ना, होप सो आप सभी अच्छा करो है ना, अच्छे स्कोर लाओ नट फिजिक्स में, ऑल सब्जेक्ट में लाओ है ना, तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑल द अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, थैंक यू।